छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x^5 प्लस 4x³ माइनस 2x अपान 5x^5 माइनस 7x² प्लस 5x³। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे यहाँ पर x^ कॉमन है सबसे पहले पद में, तो हम x^5 को कॉमन ले लेंगे, x^5। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस 4x³ अपान x^5 माइनस 2x अपान x^5। यहाँ पर क्या होगा, x^5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 7x² अपान x^5 प्लस 5x³ अपान x^5। ऐसी कंडीशन में ये हमारा कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हमने देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 प्लस 4 अपान x² माइनस 2 अपान x^4। यहाँ पर 3 पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर x² बच गया अपान में, यहाँ पर x कैंसिल हुआ तो x^4 बच गया। सेम ऐसे डिनोमिनेटर में 5 प्लस 7 अपान x³ प्लस 5 अपान x². अब यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट को लिख सकते हैं लिमिट x 1 अपान x टेंड्स टू 0। तो अगर हम लिमिट x अपान लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा हमारा, 3 प्लस 4x² माइनस 2x^4 अपान 5 प्लस 7x³ प्लस 5x² अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 3/5, ये हमारा आंसर बच जाएगा। इस क्वेश्चन से हमने देखा कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दी हुई है और a m की पावर m माइनस वन s1 अपान b n x की पावर n माइनस वन एंड s1। तो इस कैटेगरी में अगर यहाँ पर देखा जाए n इक्वल टू m होगा पहली कंडीशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, am/bn, ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर सेकेंड कंडीशन देखी जाए m अगर हमारा ग्रेटर देन n है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, m हमारा जब ग्रेटर देन होगा n से तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। थर्ड कंडीशन देखी जाए, अगर हमारा m लेस देन n है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। थैंक यू, धन्यवाद।